कल्याण लोकसभा क्षेत्र में हुई 50% वोटिंग, जानिए कौन से विधानसभा क्षेत्र में कितनी हुई वोटिंग, शिंदे दरेकर में कांटे की टक्कर। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 20 मई को लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो वोटिंग हुई है उसका हम डेटा आपको बता रहे हैं कि किस तरह से 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो इसमें आते हैं उसमें किस प्रकार से मेल फीमेल पुरुष महिला और अन्य की वोटिंग हुई है, उसका प्रतिशत क्या है और इससे क्या नतीजा सामने आ रहा है, किस तरह की लड़ाई हुई है शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में, इंडिया अलायंस और महायुति में। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर अंबरनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र की। अंबरनाथ बदलापुर का पूरा पट्टा मिला करके जिसमें 27 गांव भी आते हैं, यहाँ पर कुल मतदाता जो है विधानसभा चुनाव क्षेत्र के हिसाब से वो है 353,354। इन 353,354 में से 20 तारीख की वोटिंग में पुरुष मतदाता मेल वोटर में 92,246 मतदाताओं ने वोटरों ने अपना वोट किया है। फीमेल वोटर महिला वोटरों में 74,140 ने अपना वोट किया है। वहीं अन्य ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर वगैरह में जो सूची होती है उसमें शामिल होने वाले कुल 21 लोगों ने मतदान किया है। तो कुल इस विधानसभा क्षेत्र में जो मतदान हुआ है उसका आंकड़ा है 166,407 और इसका परसेंटेज, इसका प्रतिशत जो है वो है 47.7%, 47.7%। यहां पर आपको बता दे कि शिवसेना शिंदे गुट के मौजूदा विधायक है बालाजी किनीकर, ये उनका चुनाव क्षेत्र है और यहाँ पर इस तरह से ये पूरा वोटिंग रहा, उसके आंकड़े प्रतिशत के साथ इस तरह से रहे। उसके बाद दूसरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र है उल्लासनगर का। उल्लासनगर में कुल मतदाता 257,367 जिनमें से मेल वोटर पुरुष मतदाता 74,877 ने अपना वोटिंग अधिकार जो है इस्तेमाल किया है, मतदान का अधिकार इस्तेमाल किया है। फीमेल वोटर्स में महिला मतदाताओं में कुल 56,606, वहीं अन्य 22, ऐसा कुल मिलाकर के 131,505 की वोटिंग मतदान यहां पर हुआ है जिसका कुल प्रतिशत है 51.10%, यानी 51.10%। यहां पर आपको बता दें उल्लासनगर में मौजूदा हालात में मौजूदा स्थिति में विधायक है भारतीय जनता पार्टी के कुमार आयलानी, उसके बाद पाला बदलने वाले पप्पू कलानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाले उनके बेटे टीम ओमी कलानी चलाने वाले ओमी कलानी, ये सब जो है तमाम शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे के लिए काम कर रहे थे। तो यहां के इस तरह के ये आंकड़े हैं उल्लासनगर विधानसभा के। उसके बाद हम कल्याण ईस्ट पर आएंगे। कल्याण ईस्ट में, कल्याण पूर्व में कुल मतदाता है 299,380। अब इनमें से पुरुष मतदाता मेल वोटर जिन्होंने अपना वोट किया है उनकी संख्या है 87,784, ये मेल यानी पुरुष मतदाताओं की संख्या। वहीं फीमेल वोटर्स महिला मतदाताओं की संख्या है 68,370 और अन्य वोटर्स में 81 वोटर्स हैं। कुल मिलाकर के यहां पर 156,235 का जो है वोटिंग हुआ है, मतदान हुआ है जिसका कुल मतदान का प्रतिशत जो है वो 52.19%, यानी 52.19% मतदान कल्याण ईस्ट कल्याण पूर्व में हुआ है। यहां पर आपको बता दें कि कल्याण पूर्व में भाजपा के विधायक है गणपत गायकवाड़ जो कि फिलहाल जेल में है। कुछ ही महीना पहले उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट के गायकवाड़ नामी पदाधिकारी पर हिललाइन पुलिस स्टेशन में फायरिंग की थी। यहां पर किस तरह का पैटर्न चला है, किस तरह से वोटिंग हुई है, इस पर बहुत कुछ जो है चुनावी जीत का समीकरण निर्भर करता है। इसके बाद अगला विधानसभा चुनाव क्षेत्र है डोंबिवली का। डोंबिवली में 275,110 कुल मतदाता है जिनमें से 78,023 पुरुष मतदाताओं ने मेल वोटर्स ने अपना वोटिंग किया है, अपना मतदान किया है। 64,119 महिला मतदाता है फीमेल वोटर्स है जिन्होंने अपना मतदान किया है। वहीं अन्य में थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर वगैरह जो भी कह ले उस सूची का एक भी मतदाता नहीं, शून्य है। तो कुल मतदान यहां पर जो है 142,142 का हुआ है जिसका कुल परसेंटेज 51.67% है, 51.67% है। तो यहां पर डोंबिवली में आपको बता दे भाजपा के पूर्व मंत्री तथा विधायक है रविंद्र चव्हाण, उनका यह चुनाव क्षेत्र है और यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार जो है वैशाली दरेकर राणे वो स्थानीय उम्मीदवार है जिसका उन्हें फायदा मिला है, ऐसा विश्लेषकों का और निरीक्षकों का कहना है। उसके बाद आता है कल्याण ग्रामीण, कल्याण रूरल, जहां पर कुल मतदाता है 453,149। इन कुल मतदाताओं में से पुरुष मतदाता
मेल वोटर्स 1,32,216 जिन्होंने अपना वोट डाला है, वहीं महिला मतदाताओं में फीमेल वोटर्स में 98,910, अन्य की संख्या है 36। तो कुल मतदान यहां पर हुआ है 2,31,162 का, जिसका कुल परसेंटेज विधानसभा चुनाव क्षेत्र के हिसाब से है 51.1। ये कुल प्रतिशत और परसेंटेज है। आपको बता दें कल्याण ग्रामीण, जिसमें चील फाटा, भोलेनाथ नगर, शिवली नगर, डावले गांव, यहां से होते हुए कल्याण फाटा से होते हुए आगे कल्याण फाटा के जो ग्रामीण गांव है, वाकलन, पिंपरी, भंडारली, उत्तर शिव, ये सभी उसी में आते हैं। और कल्याण डोंबिवली रोड पर खिड़काली, पडले, देसाई, ये जो गांव आते हैं वो भी इसी में है। फिर दीवा है, दीवा से सटा हुआ साबा, माताडी, बेतौड़े, आगासन, ये सभी गांव आते हैं। आगे कल्याण के पत्री पुल तक, कचोड़े गांव तक का पूरा इलाका इसमें आता है। और यहां पर मौजूदा विधायक है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमोद उर्फ राजू पाटी। देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक शिवसेना का वोट दो शिवसेना में बटा है और मनसे और भाजपा ने कितनी मदद की है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अब अंत में छठा चुनाव क्षेत्र बचा है विधानसभा का, मुमरा कलवा। मुमरा कलवा में कुल मतदाताओं की संख्या है 4,43,661। इनमें से पुरुष मतदाताओं में, मेल वोटर्स में 1,18,013 मतदाताओं ने वोटिंग किया है, मतदान किया है। महिला मतदाताओं में, फीमेल वोटर्स में 98,136 वोटर ने अपना वोटिंग किया है, मतदान किया है। अन्य में 10 वोट है, 10 वोटर्स हैं। कुल मिलाकर 2,16,159 का मतदान जो है वो मुमरा कलवा में हुआ है। और इसका कुल प्रतिशत जो है, कुल परसेंटेज जो है 48.72%, यानी 48.72% का प्रतिशत मुमरा कलवा में रहा है। कुल मिलाकर के कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र के 20,82,221 वोटरों में से 10,43,610 महिला, पुरुष और अन्य मतदाताओं ने अपना मतदान किया है, वोटिंग किया है, जिसका कुल परसेंटेज बनता है 50.12%, यानी 50.12%। अब ये 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र इंडिया अलायंस के एक ही विधायक कलवा मुमरा के जितेंद्र रावण, जिनका अंत वाला है जो हमने आपको बताया है। अब 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्र वो है और कलवा मुमरा का एक विधानसभा क्षेत्र है। कुल 6 मिलाकर के ये 10 लाख के ऊपर की वोटिंग हुई है। अब यहां पर आपको बता दें कि डोंबिवली में बीजेपी के विधायक रविंद्र चव्हाण जो ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए हैं। कल्याण पूर्व, कल्याण ईस्ट में गणपत गायकवाड़ बीजेपी के मौजूदा विधायक जेल में है, तो उनकी भी टीम यहां पर ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आई है। अंदरूनी खबरों के अनुसार, वहां के स्थानीय सूत्रों के अनुसार, उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट यानी उम्मीदवार वैशाली दरेकर राणे का प्रचार और वोटिंग कराने का काम किया है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, ये स्थानीय सूत्रों की जानकारी है। उल्लासनगर, बदलापुर, अंबरनाथ में भी कुछ उलटफेर हुआ है और काफी मतदान में भी जो है उलटफेर हुआ है, ऐसा स्थानीय सूत्रों का कहना है। अब कल्याण ग्रामीण, दीवा वगैरह की हम बात कर ले, अन्य जगहों की बात कर ले, तो साइलेंट वोटर की एक अहम भूमिका इसमें रहेगी, ऐसा यहाँ के जानकारों का कहना है। बाला साहेब और उद्धव ठाकरे को मानने वाला शिव सैनिक वैशाली दरेकर रानी की चुनाव चिन्ह मशाल पर गया है। अन्य जगहों पर बोला जा रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, महायुति के उम्मीदवार, ये लगभग लाखों की लीड लेकर के फिर से जीतेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र का और कुल कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र का लेखा जोखा परसेंटेज के साथ, आंकड़ों के साथ हमने आपके सामने रखा है। दावे बहुत कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन जानकारों के अनुसार, जमीनी ऑब्जर्वेशन करने वालों के, विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार, यहां पर टक्कर जो है वो कांटे की है।